किसी भी फाइव स्टार होटल में ठहरते हो तो सबसे पहले जाकर आप जरूर पूछना जाकुजी सोना और स्टीम है कि नहीं। अगर वेलकम टू माय चैनल मस्त लाइफ अमित कुमार, और आज मैं आपको अपना रूम का टूर करा रहा हूं, साथ में भी आपको मैं आउटसाइड हमारे जो विंडो से कैसा दिखता वो भी मैं आपको दिखलाऊंगा, साथ में बाथरूम का टूर कराऊंगा और लेके चलूंगा आपको स्पा, आपको सोना दिखलाऊंगा, स्टीम और जकोजी। चलो स्टार्ट करते हैं रूम से। तो फर्स्ट आप देख लो सामने में जो दिख रहा है बेड, वो हमारा बेड है तीन नाइट के लिए। साइड में आप देख लो ये है एक LCD लगा हुआ है जिस पर मैं मूवी देखेगा, गाना सुनेगा, जो मन करेगा करेगा अभी तीन दिन के लिए। और इधर देख लो, इधर बना हुआ है ताकि आराम से बैठ कर ऐसे रिलैक्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और मैं बता दूं स्पंज इसका मस्त वाला है। और साथ में भी देख लो इधर कॉफी एंड टी के लिए पड़ा हुआ है, मन करेगा कॉफी बनाकर पी लेगा, मन नहीं करेगा नहीं पिएगा। तो बेसिकली ज्यादा चांस है कॉफी पीनेगा पिएगा ही। और ये देख लो हमारा लवली सा बेड जहां पर अच्छी तरह से मैं नींद ले सकता हूं, और रियली ये बहुत अच्छा है रूम यार। और आप देख लो इस साइड से भी रूम बिल्कुल बड़ा है, छोटा नहीं, बहुत बड़ा रूम है। आप देख लो साइड से बहुत बड़ा रूम है। और साइड में आपको दिखलाता हूं, इसे खोलकर आप देख लो इसमें क्या है। ये है देख लो, बहुत बड़ा है यार। कितना कपड़ा रखोगे यार अमित, हमारे पास इतना कपड़ा तो है नहीं जो हमारे पास है। इधर बैग में साइड में पड़ा हुआ है, छोटा सा बैग लेकर चलते हैं कि ताकि ज्यादा दिक्कत हमें ना। अब आपको लेकर चलता हूं बाथरूम में। अब बाथरूम जो है ना भाई, मस्त वाला बाथरूम है। आप देख लो ये उनका जो बाथरूम है रियली बहुत बड़ा है। आप देख लो बेसिन एरिया इधर है, और साइड में झरना के लिए आप देख लो साबुन एरिया इधर है, और इधर साइड में आप देख लो टब है जहां पर आराम से पानी भरने के बाद आप इसका आनंद ले सकते हो, जो मैं नहीं लूंगा क्योंकि मुझे पानी ज्यादा बर्बाद करना पसंद नहीं है, तो मैं इस टब का यूज नहीं कर रहा। इधर देखो WC, ये कुछ इस तरह से दिखता है हमारा बाथरूम और हमारा रूम। रूम देख लिया, मगर आपने जो अभी तक देखा नहीं, जो देखने लायक है हमारे रूम से, जो बाहर आप जब देखते हो विंडो से, यार कसम से इतना अच्छा दिखता है व्यू ना, ऐसा लगता है कि आप कोई किंग बाबा है ना। मगर लाइफ ऐसी नहीं है, बस कभी कभी मौका मिल जाता है ठहरने का, ठहर रहा हूं। चलो आपको दिखाता हूं विंडो से कैसा दिखता है आउटसाइड का दुनिया, बड़े बड़े बिल्डिंग और लाइटिंग के साथ भाई साहब। चलो आप भी इसका मजा लो। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना कि आज का मेरा रूम कैसा था, बाहर विंडो से जो बाहर की दुनिया, जो रोडों पे गाड़ियां और बाहर की लाइटिंग आपको कैसा लगा ये तो मुझे बताना ही। चलो आज आपको एक ऐसा जगह लेकर जा रहा हूं जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, और मैं अपने चैनल पर लेकर गया भी नहीं। तो मैं जा रहा हूं जाकुजी के लिए, आप भी चलो यार बहुत मजा आएगा।
तो आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखना। अगर फर्स्ट टाइम अगर आप हमारे चैनल पर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारा इसी तरह का वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। चलो चलते हैं जाकू। जाकू जी, जिसका मैं अभी मजा लेने वाला हूँ। आप ये देख लो बुलबुला, वाह रियली मजा आ जाएगा करने के बाद। और बगल में स्टीम भी है और सोना भी, जो मैं नहीं करने वाला हूँ आज, मॉर्निंग में करेंगे। आज ये करते हैं और आप देख लो किस तरह से दिख रहा है, बहुत मजा आ जाएगा भाई। चलो आप भी इसका आनंद लो, मैं तो ले ही रहा। फाइव स्टार होटल में ठहरते हो तो सबसे पहले जाकर आप जरूर पूछना जाकू जी सोना और स्टीम है कि नहीं। अगर है तो आप उसके लिए टाइम बना लेना, या तो मॉर्निंग या तो इवनिंग। कोशिश करना इवनिंग में करना, ज्यादा मजा आएगा। और इस तरह का जब मजा लेते हो ना, सारा थकान दूर जाता है जब आप इवनिंग में करते हो। तो जो मैं कर रहा हूँ रियली मुझे बहुत अच्छा लगा। लास्ट जितने भी होटल में मैं ठहरा था, उस सारे होटल में कहीं भी जाकू जी नहीं था, मगर स्पेशली जिस होटल में था हायत रेजिडेंसी चेन्नई, तो मैं इसका मजा ले रहा हूँ। और आप भी देख लो किस तरह से दिखता है। सो मच फॉर वॉचिंग मस्त लाइफ अमित कुमार। अगर आज का वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में प्रेस द बेल आइकन।